Hello friends, I hope you all are doing well. My name is Dr. Milind Shinde and I welcome you all to our video lecture series Know It in 10 Minutes. So, आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ INICT और सीक्रेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट एग्जाम्स. सो अर्लियर जो इंस्टीट्यूट है लाइक एम्स, जिपमर, PGI, NIMHANS, दे यूज्ड टू कंडक्ट देयर सेपरेट एग्जाम्स, बट पिछले कुछ सालों से दे ऑल हैव कम्बाइंड एंड दे हैव स्टार्टेड टुगेदर वन एग्जाम विच इज नोन एज Institute of National Importance Common Entrance Test. तो ये हर एक PG aspirant का ड्रीम होता है कि एक दिन वो इंस्टीट्यूट में पढ़े. बट जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नीट PG. सो देर आर सम सीक्रेट आई वुड लाइक टू कॉल देम, बिकॉज वेन आई वॉज वर्किंग इन एम्स न्यू दिल्ली, दैट टाइम आई रियलाइज कि एम्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ सीक्रेट इन्ग्रेडियंट्स है जो मैंने कुछ इंटरव्यूज में भी देखे एंड दे आर नॉट कॉमनली डिस्कस्ड. सो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज what are the specific things that you have to take into mind whenever you are preparing for the exam like INICT. So iske liye sabse pehle aapko to jaise pata hoga ki exam jo hota hai that is of 200 questions hote hain, theek hai. To aapne dekhe honge ki aims ka jo exam tha, that was the one who introduced first image based questions. Even they started showing some videos, there were image based mein kuch हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस थे, उसके साथ में कुछ आपको एक्सरेज मिले थे, कुछ आपको सीटी स्कैन्स की इमेजेस थी, ठीक है, कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल इमेजेस थी जिसमें आपको पार्ट आइडेंटिफाई करना था, कुछ ग्राफ्स भी थे. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली स्टार्टेड विद एम्स एग्जाम. और ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इसको अलग करते हैं नीट PG से. सेकेंड होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन. एम्स का जो एग्जाम होता है ना, दे डोंट नीड, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नीट इज वेरी मच ऑफ अ डेटा बेस्ड. इट ट्राई टू सी कि आप कितना मगअप कर सकते हो, आप कितना डेटा रिकॉल कर सकते हो. बट एम्स का जो एग्जाम होता है ना, दे टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है. तो नाउ आई विल टॉक दैट हाउ टू इम्प्रूव दिस टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एम्स. अगर आपको इन दो चीज़ों में बेटर करना है तो क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट अबाउट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. तो एम्स और INICT में जो भी इमेजेस आती है ना, दे ऑल कम फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स. तो आपको देर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स जिसमें आपको आपको फॉलो करनी है. वन इज लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी. तो इसमें जो एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है, तो इसमें यू हैव टू सी फॉर द जस्ट इमेजेस, डोंट रीड, यू डोंट हैव टू रीड इट. तो जब भी वेन एवर यू आर टायर्ड, वेन यू आर गोइंग टू स्लीप, जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस और उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि जैसे डेवलपमेंट ऑफ द पोर्टल मैन, डेवलपमेंट ऑफ द एओटी आर्च. तो ये बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है और ये जो इमेजेस होती है वो काफ़ी बार लिटरली ये बुक से ली जाती है. और मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम आई हैड टेकन लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम दिस. पर आपको कोई जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह ऐसे नहीं पूछेगा. सो दीज आर कॉमनली देयर अगेन एंड अगेन दे विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन. तो आपको बेसिकली जो मेजर ऑर्गन्स है, हार्ट का डेवलपमेंट है, आपको उसकी इमेज यहाँ से देखनी है. अगर आपको इमेज पहले से ही पता है तो इट विल बिकम ईजियर. सेकेंड होता है एनाटॉमी के लिए नेटर एटलास. अगर जो इंपॉर्टेंट वेसल्स के लोकेशन है, नर्व के लोकेशन है कोई, तो अगर आप एक बार उसको नेटर से देख ले, बिकॉज दे लास्ट यू टू आइडेंटिफाई द नर्व. अगर आपने नेटर से ऑलरेडी इस इमेज को देखा है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, ठीक है. थर्ड है फिजियोलॉजी. सो वी नो अबाउट गैनोंग. तो गैनोंग के जो ग्राफ्स होते हैं, सो आई कैन रिमेंबर देर वॉज अ ग्राफ अबाउट थायरॉइड कंडीशन, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपर में क्या क्या होता है, T4, TSH. सो दिस ग्राफ्स आर लिटरली टेकन फ्रॉम दिस गैनोंग. सो इफ यू हैव अ PDF, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट्स ऑफ दिस ग्राफ्स की गैनोंग में जो भी ग्राफ है, बिकॉज दे विल ट्राई टू, सपोज कोई ग्राफ है उसमें तीन लाइन्स बनी हुई, सो दे कैन आइडेंटिफाई यू कि आइडेंटिफाई वॉट इज दिस. सो इफ यू ऑलरेडी हैव सीन दिस ग्राफ बिफोर, इट बिकम्स ईजियर एंड दिस गिव्स यू द एक्स्ट्रा एज. Then comes the most important book, that is Robbins Path. So whatever, what I want to emphasize again, ये books मैंने कभी पढ़ी नहीं थी UG में. मुझे जब मैं PG preparation कर रहा था, then I realized कि मुझे लगता था कि AIIMS में जो ये questions आते हैं, ये कहाँ से आते होंगे. So you have to just filter out this image, filter out these tables. तो Robbins Path में जो भी histopathological specimens है, be histological slides or कोई स्लाइड्स है या फिर ग्रॉस स्पेसिमन है, आपको उसको पास देखना है, बिकॉज दे सिंपली जस्ट गिव यू वन पिक्चर. कोई भी अगर ऐसे कोई ओवेरियन ट्यूमर है तो उसका आपको डायरेक्टली ग्रॉस भी मिल सकता है, ग्रॉस स्पेसिमन का फोटो, एंड दे जस्ट आस्क यू टू आइडेंटिफाई. तो आपको थियरी
क्लियर होने से इसको आप आंसर नहीं कर पाओगे. इफ यू हैव सीन दिस इमेज प्रीवियसली देन यू विल बी एबल टू आंसर इट. एंड देन ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक इज पार्क्स पीएसएम बुक. तो ये जो पीजीआई का एग्जाम होता है ना, सो आई हैड नोटिस कि पीजीआई एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शन आते थे कि दे विल आस्क यू लाइक मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट एसेशन एंड रीजनिंग. सो आई हैव सीन दे लिटरली टेक पैराग्राफ्स फ्रॉम पार्क्स पीएसएम. तो अगर आप इसके जो टेबल्स होते हैं, इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप इसको देख सकते हो, सो दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा एज. सो अगर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन को कवर करना है तो यू मस्ट गो थ्रू दिस बुक्स. ये जो बुक्स है ना, ये बहुत ही बेसिक सी बुक्स है, लेकिन आपको इसके थ्रू जाना होगा इफ यू आर टारगेटिंग एम्स. ऑल्सो देर आर क्लासेस, लाइक सर्टन क्लासेस दे कंडक्ट देर विजुअल ट्रीट सेशंस. तो अगर आप उस क्लासेस के ये विजुअल सेशंस अटेंड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल एंड दैट विल सेव योर टाइम. बट देर विल बी हंड्रेड ऑफ इमेजेस गिवन बाय द क्लासेस, सो इट्स बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कन्फ्यूजिंग ऑल्सो. सो यू कैन ऑलवेज फॉलो द टेक्स्ट बुक्स. अब ये बात हो गई बुक्स की. देन देर इज वन मोर सीक्रेट बुक. I don't know whether a lot of people follow it or not, but this is another book that is followed by the people who study for AIIMS. So that is USMLE First Aid. So this book is with me since 2016. So ye jo book hai na, this is literally, it's a very small book. It's not very huge book, but it contains only high yield points. So iska each line has an MCQ. Agar aap AIIMS ka pichle saalon ke kuch papers utha ke dekhoge, so what you will realize that most of the questions can be answered by reading first aid. But what is the problem with first aid? That every line is important. So you have to read it multiple times. So what I used to do, jab mera din ka sab schedule khatam ho jata tha, so I used to spare at least 45 minutes to 1 hour for first aid. So every day I'll read it. And it hardly takes 1 month to finish the whole book if you give 1 hour every day. And you can read it 2 to 3 times. Agar aap isko 3-4 baar padh lete ho exam se pehle, so you will remember it, trust me. So USMLE First Aid is also a very important book if you are preparing for the INICT, because isme jo data diya hua hai na, it's not isme jo they have tried to explain the concepts also, they have given lot of mnemonics, so it helps. To isliye aapko ek book hai jo aapke bookshelf mein you must have, that is USMLE First Aid. तो हमने पहले बात किया अबाउट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. तो दूसरा जो हमारे पास रहता है अटेम्प्ट्स, कि जब आप अटेम्प्ट्स करते हो तो अटेम्प्ट्स कितना करना चाहिए. तो आउट ऑफ 200 ऑलवेज द टॉपर्स दे रिकमेंड 185 प्लस. आई रिकमेंड मोर देन 190, बट टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट 185 प्लस एंड एवरीबडी इज गोइंग टू अटेम्प्ट, बिकॉज द एग्जाम मार्किंग इज इन अवर फेवर. जो पहले एम्स का होता था, एम्स का जो सॉरी दिस इज फॉर दिस मार्किंग इज फॉर नीट. तो एम्स का जो होता है दैट इज बेसिकली प्लस 3 एंड 1 mark प्लस 1 फॉर द करेक्ट एंड 1/3 इज डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्स. दैट इज हाउ एम्स कंडक्ट. बट प्लस वन इज, बट दिस इज ऑल्सो मार्किंग इन यूर फेवर. तो अगर आप 2 सही करते हो तो आपको जैसे 2 marks मिल जाते हैं. तो एंड इवन इफ यू कैन गेट रॉन्ग, बट स्टिल यू विल बी इन अ पॉजिटिव बैलेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर क्वेश्चंस विच आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, लाइक जो आपको क्लिनिकल सिनेरियो पूछते हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल एमसीक्यूज सॉल्व करने. सो मोर एमसीक्यूज यू विल सॉल्व, बेटर यू विल बिकम, ठीक है. तो जो आपके क्लिनिकल बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स में, तो जैसे आप अगर नीट के लिए, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दिन का 80% टाइम आप थियरी में दे दीजिए और 20% इन एमसीक्यूज. बट इन फॉर एम्स इट शुड बी 60-40. 60% ऑफ द डे रीड थियरी, 40% ऑफ द डे रीड यूर सॉरी अबाउट एमसीक्यू. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इंटर्नशिप. इंटर्नशिप फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी, क्योंकि इंटर्नशिप में आप कैनोलास देखते हो, आप प्रोसीजर देखते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो. इफ यू हैव डन योर यूजी फ्रॉम आउटसाइड, समटाइम्स यू आर नॉट एक्सपोज टू दिस थिंग्स, तो आपको इंटर्नशिप ऑनेस्टली करनी है. इंटर्नशिप में ये सब मटेरियल आपको देखना है, ठीक है. दीज आर फ्यू सीक्रेट्स अबाउट एनआईसीटी दैट आई वांटेड टू शेयर. सो गाइस, आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस.